यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, याद होगा आपको, लेकिन जमीन पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। जी हां, राजधानी लखनऊ से करीब 125 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में एक सिरफिरे ने लड़की का हाथ काट लिया। यह घटना बीच सड़क पर हुई है। जब सिरफिरे ने लड़की को घेर कर उस पर हमला शुरू किया तब वो चीखने लगी। उसने लोगों से मदद की गुहार भी लगाई लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ काट दिया और भागने लगा। जब आरोपी भागने लगा तब कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर मोहित नाम के आरोपी ने लड़की के हाथ क्यों काटे, इसको लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही है। लड़की का कहना है कि आरोपी ने उससे मोबाइल में लगने वाला मेमोरी कार्ड मांगा था, जब मेमोरी कार्ड नहीं दिया गया तब उस पर हमला कर दिया गया। वहीं पीड़ित लड़की के घरवाले आरोपी पर छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ काटा गया, लखीमपुर खीरी की यह घटना, और यह परिवार वालों का आरोप है। जो लड़की है उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि छेड़खानी कर रहा था आरोपी और छेड़खानी का विरोध करने पर हाथ काट दिया गया। लखीमपुर खीरी में यह सब कुछ हुआ, हैरान कर देने वाली घटना, जहां महिला का हाथ काट दिया गया और पीड़ित लड़की के घर वाले आरोपी पर छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं कि छेड़खानी का विरोध किया, विरोध करने पर हाथ काट दिया गया। पीड़िता का क्या कहना है सुनिए आप। अपने घर हम अस्पताल आए, रहन अस्पताल से घर गए, दाल लेके के आए, अपने घर खाना बनाओ जा रहे हैं। मोहित को कहीं इनका भाई कहेगा कि हमारा कैलेंडर ना धरो, क्या दे आया हूँ, तब ये कैलेंडर ले मेरे घर का आए कहीं इनका बुझाओ चले क्या आए। हम बुझाए नमकिन भैया हमारे घर तो रोहित जाता हूँ नहीं तो कैलेंडर कैसे दे जाए। अती बात कर मोहित कहीं तो हम इनसे पूछे रहा हूँ कोई से नहीं, हमको मारे लिए हमारे पेट में तलवार घुस से दे दे रहा हूँ, लेकिन हमको तलवार पकड़ लिया तो तलवार ने तलवार तो आपने सुना पीड़ित लड़की को जो बता रही है आप बीती की हुआ क्या उसके साथ। हालांकि पीड़ित लड़की गरीब परिवार से आती है और प्रशासन उसकी मदद की बात कर रहा है। हमारे साथ पंकज झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये सब कुछ क्यों हुआ, ये हाथ क्यों काटा गया, क्या ये छेड़खानी की घटना थी या फिर कुछ और विवाद था? देखिए, जो लड़की के पीड़िता के घर वाले हैं और आस पड़ोस के जो इलाके के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि पूरा मामला छेड़खानी का है और ये जो लड़का है आरोपी रोहित, जो कि ये पूरा मसला बताऊं कल दोपहर 3 बजे के आसपास का है, निगासन रोड शहर का बाहरी इलाका है। और ये भी बात है कि जो पीड़िता और आरोपी हैं दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस इलाके के लोगों को भी पता था, जैसा लड़की का पीड़िता का कहना है कि बार बार वो छेड़खानी की कोशिशें कर रहा था, कई बार रोका टोका गया, ये वो नहीं बता पा रही पुलिस को, उसने इससे पहले शिकायत की थी कि नहीं। लेकिन ठीक दोपहर 3 बजे में कल जिस तरीके से वो जिस दुकान में काम करता था आरोपी, वहां से तलवार लेकर निकला और करीब 200 लोग वहां थे उन सबके सामने उसने हाथ काट दिया। ये घटना मतलब बहुत हैरान करती है कि आखिर कैसे क्या हो रहा है शहर के इलाके में, पुलिस क्या कर रही थी। हालांकि आरोपी पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की की हालत जो है थोड़ी खराब हो गई ब्लीडिंग की वजह से, उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी की यह घटना है, दोपहर 3 बजे दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ, बीच सड़क पर हाथ काट दिया गया महिला का। हालांकि अभी कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, छेड़खानी की बात पीड़िता के जो परिवार वाले हैं वो छेड़खानी की बात कर रहे हैं, लेकिन डीएम क्या कह रहे हैं, इलाके के जो डीएम है वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर सुनिए। कार्रवाई करके उस लड़के को पकड़ लिया और छोटी बहन को भी कोई समस्या देखने में आ रही है कोई शारीरिक तौर पर, तो एक बड़ा ही उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उनको अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आपको कुछ मदद करें और यदि आवश्यक हुआ तो हम लोग शासन से मदद लाने की करेंगे और अपनी तरफ से हम लोग तात्कालिक तौर पर कुछ। और हमारे साथ लखीमपुर खीरी के एसपी एस चिनप्पा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हुआ क्या था, पूरी घटना अगर आप बता पाए, हुआ क्या था? इसमें जो एक लड़के ने
लड़की को हाथ काटा है और इस संबंध में तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है अकीजुर को और पीड़िता को इलाज के लिए यहाँ पश्चिम दिलवा के बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है और इसमें जो भी धारा बन रहा है इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और गहराई से क्योंकि वहाँ मोबाइल और ये जो चार्जर की बात आ रही थी तो ये तो छोटी सी कारण है और भी क्या कारण है इसको गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएगा सख्ती से कार्रवाई करेंगे और इसमें और रासुका के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप बता रहे रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका एनएसए के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। ये इतना गंभीर घटना है हीनियत क्राइम है तो इसको जितने ज्यादा से ज्यादा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं उतना कड़ी से कार्रवाई करेंगे। लेकिन घर वाले सर छेड़खानी की बात कर रहे हैं, क्या छेड़खानी की कोशिश की गई उसका विरोध करने पर हाथ काट दिया गया ये भी खबर है? समान में ये हर पहलू मैंने बताया था कि हर पहलू को हम लेके चलेंगे जो भी है उसमें तत्काल मतलब जो कार्रवाई कर रहे हैं पीड़िता से भी बात करेंगे और जो तथ्य आएगा सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से सर? हाँ ये बात आई है एक दूसरे को जानते थे घर पे आना जाना भी था और लेकिन बीच सड़क पर हुआ सर दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे इसको लेकर जरूर सवाल निशान उठता है कानून व्यवस्था को लेकर। दोपहर 3 बजे बीच सड़क पर हाथ काट दिया गया ये गंभीर घटना है जी। इसमें जितना एक एग्जाम्पलरी तौर पर कार्रवाई करेंगे ताकि मतलब आगे इस तरह का कोई हिम्मत ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस चिनप्पा लखीमपुर खीरी के SP जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई होगी क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। SP जो है लखीमपुर खीरे के वो बता रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपी पर NSA लगाया जाएगा और एक दूसरे को जानते थे ये दोनों जो आरोपी हैं। हालांकि छेड़खानी की बात भी कही जा रही है उस बात से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। ये है ABP News आपको रखे आगे।